नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट राइज टू पावर, नेपोलियन का उत्थान। नेपोलियन न केवल फ्रांस के अंदर ही बल्कि विश्व के ऐसे महान व्यक्तियों में से था जिसकी गणना कुशल शासन प्रबंधक के रूप में, उच्च कोटि के सेनानायक के रूप में और महान साम्राज्य निर्माता के रूप में जानी जाती है। उनका जन्म कौर्सिका द्वीप में हुआ और वो उन्नति करता हुआ फ्रांस का सम्राट बन गया। सम्राट बनने से पहले उन्हें बहुत कड़ा संघर्ष जो करना पड़ा। उन्होंने ऑस्ट्रिया, इटली, मिश्र, इन देशों में अनेक लड़ाइयां लड़ी। फ्रांस की जनता उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी। सैनिक से सेनापति बना, सेनापति से संचालक समिति का सदस्य और बाद में प्रथम कौंसल के रूप में भी उभरा। उसने फ्रांस के सभी शत्रुओं को पराजित किया और फ्रांसी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसके बाद अगर आप देखें, अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें, राइज ऑफ नेपोलियन की बात करें, उनके आरंभिक जीवन की अगर हम बात करें, तो नेपोलियन का संपूर्ण जीवन ही रोमांचकारी था। उसके जन्म के साथ ही उसके देश कोर्सिका का भाग्य जो है वो एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि कोर्सिका द्वीप को इंग्लैंड ने फ्रांस को बेच दिया था। फ्रांस ने कोर्सिका द्वीप को खरीद लिया था। नेपोलियन की जन्म तिथि उसके देश के विनाश तिथि बन गई, परंतु इतिहास में कोर्सिका से अधिक बड़ा बदला किसी अन्य देश ने नहीं लिया। उस देश ने नेपोलियन जैसे महान पुत्र को जन्म दिया जो धीरे ही धीरे फ्रांस पर पूरी तरह से छा गया। साधारण परिवार में जन्म लिया और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, इस महान सपूत की जीवन गाथा इस प्रकार है। अगर आप पढ़ेंगे तो जन्म और माता पिता की अगर हम बात करें, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप ओहियो में हुआ। उनके पूर्वज इटली के निवासी थे। नेपोलियन के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट, जो कि एक निर्धन वकील थे, बहुत ही सुस्त व्यक्ति भी माने जाते थे। नेपोलियन की माता जो है वो रेमोलिना थी, उन और बहुत ही सुंदर, दृढ़ निश्चय वाली, असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला थी। उसने 13 बच्चों को जन्म दिया जिनमें 8 ही जीवित रहे। इनमें 5 लड़के और 3 लड़कियां थी। नेपोलियन उसका दूसरा लड़का था। बचपन से ही अगर आप देखें तो सैनिक कारनामों और युद्धों की कहानियां सुनने का नेपोलियन को बहुत ज्यादा शौक था। सैनिकों को बाजारों में से गुजरते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता था। सैनिक जीवन के प्रति उसका बहुत ज्यादा झुकाव था। और एक बार उनकी माता ने उनको इतना ज्यादा सैनिकों के प्रति लगाव को देखते हुए उनको एक सैनिक वर्दी भी बनवा दी, जिससे पहनकर वह बड़े ही शौक से घुमा करता था। अपने साथियों को 2 टुकड़ियों में बांट देता था और उनसे झूठ मूठ की लड़ाइयां जो है वो करवाता था। ये लड़ाइयां इतनी रुचिकर होती थी कि अगर कोई बाहर जा रहा होता था, गली से निकल रहा होता था और लड़ाइयों को देखता था, तो वो रुक कर और इतना एंजॉय करता था लड़ाइयों का और बहुत मजे भी लेते थे। नेपोलियन को सैनिक जीवन से इतना ज्यादा लगाव था कि वो कहते भी थे कि मुझे अवश्य ही एक सैनिक बनना चाहिए, जब मैं सैनिक बन जाऊंगा तो प्रत्येक लड़ाई को जीतूंगा। जो नेपोलियन सैनिक बनने से इतनी इच्छा को देखते हुए उनके पिता ने उसको ब्रिन सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उसे पेरिस के राजकीय सैनिक स्कूल रॉयल मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ विद्यार्थियों को अधिकारी बनने की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। स्कूल तथा कॉलेजों में सैनिक ट्रेनिंग के समय नेपोलियन बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसके जो सहपाठी थे, खास कर जो फ्रांसीसी बच्चे थे, वो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, उससे नफरत भी करते थे। इसका कारण था कि नेपोलियन बहुत ज्यादा गंभीर और उनकी अपेक्षा जो है वो गरीब बच्चा था, और उसका फ्रांसीसी का भाषा का जो उच्चारण है वो भी ठीक प्रकार से नहीं था, इसलिए उसको विदेशी भी समझा जाता था। परंतु उनके शिक्षक जो है वो कहते थे कि ये युवक चट्टान का बना हुआ है, इसके भीतर एक ज्वालामुखी है। एक बार उन्होंने अपने पिता को लेटर भी लिखा कि बोले ये जो बच्चे हैं, बोले ये मेरे बराबर नहीं है, मेरे ये सिर्फ मेरे से किस चीज में ऊंचे है, क्योंकि इनके पास पैसा है और मैं गरीब हूँ, परंतु किसी भी तरह की उत्तम प्रकार की जो भावनाएं हैं उनका उसमें ये मेरे से बहुत ज्यादा नीचे हैं। इसके बाद अगर आप देखें, नेपोलियन बहुत परिश्रमी था। वो कभी अपना टाइम जो है वो नहीं वेस्ट करता था। जब भी उसके पास खाली समय होता था तो वाल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, प्लूटार्क, प्लेटो, इन दार्शनिकों की किताबें पढ़ता था।
उनके सिद्धांतों का अध्ययन करता था। इसके अलावा उसको मैथ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत अध्ययन में ये लीन रहता था। और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की सर्वोत्तम टुकड़ी के उप लेफ्टिनेंट की पदवी जो धारण की, सैनिक के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद जो है उनको फ्रांस के दक्षिण में जो फ्रांसीसी बंदरगाह तुलो पर अंग्रेजों का जो अधिकार था, परंतु नेपोलियन ने अपनी सैनिक प्रतिभा को दिखाते हुए अंग्रेजों को उस बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुलो के ऊपर विजय से सैनिकों के अंदर उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा जो मिली, और इसी तरह से 1794 ईस्वी में उसे ब्रिगेड का सेनापति बना दिया। एक सैनिक अधिकारी के रूप में उसने इतनी योग्यता दिखाई कि 1794 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनाओं का कमांडर उसको बना दिया गया। ये सेनाएं उस समय इटली और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध लड़ रही थी। अगर आप इसी दौरान बीच में अगर देखे भी तो उन्होंने जो जोसेफिन है, नेपोलियन जोसेफिन नामक महिला को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और जब बहुत आतंक का राज्य था फ्रांस के अंदर, जोसेफिन के पति की हत्या कर दी गई थी। जोसेफिन आयु में नेपोलियन से 6 वर्ष बड़ी थी, 2 बच्चों की माँ थी, परंतु नेपोलियन उसको इतना पसंद करता था कि इटली की सेना का कमांडर बनने के 2 दिन पश्चात ही उसने उससे विवाह कर लिया, और विवाह के 2 दिन बाद ही वो पेरिस छोड़कर इटली की ओर चल दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा अपने काम के प्रति जवाबदेही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि शादी के तुरंत 2 दिन बाद ही वो इटली की ओर चला गया। जब इटली के सेना कमांडर के रूप में अगर आप उसकी योग्यता को देखें, इटली की सेना की कमान संभालते ही नेपोलियन के सामने अनेक कठिनाइयां थी। सैनिकों के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, सैनिकों के पास जूते और कपड़े तक नहीं थे, परंतु नेपोलियन ने जगह जगह पर बहुत ओजस्वी भाषण देकर सैनिकों के अंदर उत्साह जो है वो बढ़ाया। और मिलान की विजय जो सैनिकों ने हासिल की, इसके बाद आर्कोला की विजय हासिल की, उसके बाद सार्डिनिया सिवाय नाइस के प्रदेश जो वो नेपोलियन ने जीते, और उसने अपना पूरा ध्यान जो ऑस्ट्रेलिया की ओर लगाया। ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को माटुआ नामक जगह पर हराकर मिलान पर दोबारा अधिकार किया। आर्कोला और विवोली के युद्धों में उसने कैंपो फॉर्मी की संधि करने पर ऑस्ट्रेलिया को विवश कर दिया। फ्रांस को बहुत ज्यादा लाभ जो है वो हुआ। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 26 युद्धों में नेपोलियन ने पराजित किया, और फ्रांस वापस लौटने पर फ्रांस के लोगों ने उसका बहुत शानदार स्वागत किया। अब अगर आप देखें कि नेपोलियन ने किस तरह से मिश्र के ऊपर जो है वो अधिकार प्राप्त किया, इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने की बजाय उसने पूर्वी साम्राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। इसी इरादे से 1798 ईस्वी में उसने मिश्र के ऊपर आक्रमण किया, माल्टा और सिकंदरिया के प्रदेशों को उसने जीता। नील की लड़ाई में वो नेल्सन को उसने जो है पराजित किया, परंतु कहीं ना कहीं सीरिया की ओर वो नेल्सन से जब पराजित हो गया तो नेपोलियन तुर्की के विरुद्ध सीरिया की ओर बढ़ा, तुर्की की अनेक लड़ाइयों को पराजित करके दोबारा सिकंदरिया लौटा, और वो फिर गुप्त रूप से वापिस जो है पेरिस आ गया। अगर आप नेपोलियन के प्रथम कौंसल के रूप में देखें तो जब वो फ्रांस लौटा, डायरेक्टरी के जो सदस्य थे उनमें बहुत ज्यादा मतभेद हो चुका था, डायरेक्टरी पूरी तरह से असफल हो गई थी। यूरोप के उत्तरी भागों में प्राच्य के कारण फ्रांस का वैसे भी यूरोप के अंदर आदर जो वो कम हो गया। गृह नीति डायरेक्टरी की बहुत बढ़िया नहीं थी, फ्रांसीसियों को इटली और जर्मनी में भी हार का मुंह जो देखना पड़ा। डायरेक्टरी का शासन निरंकुश और अयोग्यतापूर्ण था, इसी कारण लोगों में असंतोष फैल गया। नेपोलियन ने अपनी सूझबूझ से डायरेक्टर की जो नाजुक परिस्थितियों का लाभ उठाया। 10 नवंबर 1799 को अपने बल प्रयोग से डायरेक्टरी के शासन को पलट दिया। इस षड्यंत्र में एबेसिए ने उसकी बहुत सहायता की। विधान समिति ने एबेसिए ड्यूको नेपोलियन को कौंसल चुनकर एक कौंसलेट बना दी। इसका काम देश के राज्य कार्य को संभालना और देश की सरकार के लिए नया विधान बनाना था। कॉन्स्टेल के रूप में एबेसिए ड्यूको नेपोलियन ने संविधान के अनुसार नेपोलियन को मुख्य कौंसल नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी की सारी शक्तियां उसके हाथ में आ गई।
दोनों जो और एबेसिए और ड्यूको जो थे वो केवल सलाह ही दे सकते थे। वास्तविक शक्ति नेपोलियन के हाथ में थी। नेपोलियन धीरे धीरे डिक्टेटर तानाशाह की तरह मनमानी कर सकता था, परंतु उसने नहीं किया। नेपोलियन मिशन में था तो बहुत से प्रदेश फ्रांस के हाथों से निकल गए थे। प्रथम कौंसल बनते ही नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रेलिया और मरेगो के स्थान पर 1800 ईस्वी में इटली को हराया। ऑस्ट्रेलिया को भी उसने हराया और इंग्लैंड को एमीज की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन के अगर आप सुधार देखें प्रथम कौंसल के रूप में, उसने बहुत सारा सुधार जो है वो किए। उसने फ्रांस के लिए कानूनों को लिखित रूप दिया। शासन की बहुत सारी जो त्रुटियां थी उनको समाप्त किया। उसने विशेष अधिकारों वर्ग भेद को अंत करके सभी को समान न्याय जो है वो प्रदान किया। सम्राट के रूप में अगर आप उसके कार्यों को देखें तो प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के हाथ में कार्यकारिणी की सारी शक्तियां थी। अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए वो लगातार प्रयास जो है वो कर रहा था। उसे जीवन भर के लिए प्रथम कौंसल चुन लिया गया था। 1802 ईस्वी में उसे अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार भी दे दिया गया और अब वो तानाशाही की भांति जो है वो राज्य करने राज्य जो है वो चलाने लगा, परंतु लोगों के हित को वो कभी नहीं भूला। फ्रांस के नव निर्माण के लिए प्रयत्न करता रहा। 1804 ईस्वी में जनमत द्वारा उसे सम्राट बना दिया गया। नेपोलियन सारे यूरोप पर अधिकार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1805 ईस्वी में इंग्लैंड पे आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु नेशनल ने उसको पराजित कर दिया। नेशनल मारा गया, परंतु फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से जो है हार का मुख उसको देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन जो इंग्लैंड के प्रति महाद्वीपीय अपनाना चाहता था, उसको आर्थिक रूप से जो है उसका बहिष्कार जो है वो करवाना चाहता था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो इंग्लैंड के प्रति जो है वो लगाना चाहता था। और परंतु दूसरी तरफ इंग्लैंड ने भी वो उसके खिलाफ जो है वो एक चार देशों का जो है वो समूह जो है वो तैयार कर लिया, गठजोड़ तैयार कर लिया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्सिया, रूस शामिल थे। 1813 ईस्वी में लिपचिंग के स्थान पर उसको बुरी तरह से पराजित किया। राइन तक पीछे हटने के लिए उसको मजबूर कर दिया। 1814 ईस्वी में उसने शत्रुओं के ऊपर भारी सफल संघर्ष जो है वो किया, परंतु अंत में मित्र सेनाओं से वो हार गया। और 1814 ईस्वी में एब्बा द्वीप उसको देश निकाला जो वो दे दिया गया और उसके स्थान पर भूतपूर्व सम्राट लुई 16वें के भाई लुई 18वें को फ्रांस का सम्राट जो है वो बना दिया। परंतु लुई 18 फ्रांस में लोकप्रिय न हो सका और उधर यूरोप के देशों में यूरोप की बांट को लेकर भी मतभेद, यानी जो चार देशों का गठजोड़ हुआ था उनमें भी कहीं ना कहीं आपस में संघर्ष जो है वो जारी हो गया। नेपोलियन ने अवसर मिलते ही एल्बा के फ्रांस का जो भाग था फ्रांस के लिए भाग कर आ गया। उसके पुराने वफादार सैनिकों ने उसका स्वागत किया, उसका साथ दिया। नेपोलियन के आते ही लुई 18 जो भाग गया। नेपोलियन दोबारा से फ्रांस का सम्राट बना, परंतु इस बार केवल वो 100 दिनों तक ही शासन जो है वो कर पाया और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस समय न गवाते हुए आक्रमण करने के लिए एक हो गए। नेपोलियन को आशा थी कि वो सबको अलग अलग से हराएगा, परंतु 6 जून को प्रशिया की जो सेना है वो उन्होंने उसको परास्त किया वाटरलू नामक जगह पर और वहां से वो संभल ही नहीं पाया और बुरी तरह से उसको पराजित जो किया। नेपोलियन को बंदी जो बना लिया गया। एक बार फिर उसे सिंहासन पर त्याग पर उसको हस्ताक्षर करने पड़े। मित्र राष्ट्रों ने लुई 18वें को फ्रांस का सम्राट के रूप में दोबारा स्वीकार कर लिया। नेपोलियन को सेंट हेलिना के द्वीप पे भेज दिया गया जहां उसके जीवन के 6 वर्ष जो बिताए और 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने कहा था कि एवरी फ्यूचर हिस्टोरियन विल हैव टू अलाउ माय शेयर। तो ये हमने नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान की बात की और किस तरह से वो प्रगति करते हुए एक सैनिक के रूप में, फिर सेनापति के रूप में और फिर प्रथम कौंसल और सम्राट के रूप में उसने सफलता हासिल की और यूरोप के अंदर फ्रांस को एक आदर जो है वो दिलवाया और फ्रांस को उन्नति जो है वो प्रदान की। परंतु बहुत जल्दी उसका
इंग्लैंड ने और जो गठबंधन था चार देशों का, उन्होंने उसको पराजित कर दिया और उसको जो है 5 मई